और बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बालाघाट से, जहां डाली दामाही हत्याकांड को लेकर सर्व समाज हुआ आक्रोशित। सड़क पर उतरे हजारों लोगों के तादाद में सर्व समाज डाली दामाही हत्याकांड मामले में विहिप प्रांतीय अध्यक्ष ललित पारदी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर संपूर्ण बालाघाट बंद रहा। बालाघाट नगर सहित अन्य आसपास के क्षेत्रों में भी बंद का असर दिखाई दिया। बालाघाट शहर की सभी चौक चौराहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। शहर पूरा पुलिस छावनी का रूप ले लिया। सभी व्यापारी, सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक संगठनों सहित लोगों ने समर्थन दिया। ठीक है, आज डाली दमाई के हत्या के जो मुख्य आरोपी है, जो साजिश करता है ललित पारदी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण, और जो डाली दमाई के साथ में जो घायल तीन साथी लोग थे उनके बयान नहीं होने के कारण आज लोधी महासभा के नेतृत्व में संपूर्ण बालाघाट जिले को बंद कराने का निर्णय लिया गया था, और संपूर्ण बालाघाट जिला आज बंद है। हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो घायल अन्य तीन साथी है, जिसमें योगेश मुहारे एवं दो महिलाएं, उनके बयान जिला प्रशासन द्वारा करवाए हैं। उनके बयान के आधार पर जो वो नाम लेते हैं उन पर अपराध पंजीबद्ध किया जाए, उनकी गिरफ्तारी किया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जो विगत दिनों भगोली के बच्चा राजवीर लिल्लारे की हत्या की गई, उसके भी आरोपी को अभी तक पुलिस ने नहीं पकड़ी है। तीसरी जो हमारी मांग है कि जो कोसमी में छः नामजद साथी एवं अन्य 150 साथियों पर जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, वो प्रशासन उन अपराध को वापस ले। इन सभी मांगों पर लेकर लोधी महासभा के नेतृत्व में हम लोगों ने आज सर्व समाज के साथियों के साथ मिलकर बालाघाट बंद करने का निर्णय लिया था, और संपूर्ण बालाघाट जिला मुख्यालय आज बंद है। बालाघाट से भास्कर भारद्वाज की रिपोर्ट।